हेलो स्टूडेंट्स सो टूडे वी आर मीटिंग अगैन एंड यू आर देर एंड वॉचिंग आर चैनल इंग्लिश बाई कोमल एंड आई एम योर टीचर कोमल मैम सो आज हम पढ़ने वाले हैं पोइटिक डिवाइस ऑफ द पोम रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये पोम सीबीएसई ट्वेल्थ क्लास की सिलेबस में है और फॉर श्योर इससे क्वेश्चन आएगा और उसके लिए आपकी पोइटिक डिवाइस प्रिपेयर होनी चाहिए चलिए आपका काम आसान करते हैं इस पोम में बहुत सारी पोइटिक डिवाइस है पहली पोइटिक डिवाइस से शुरू करते हैं और पहली पोइटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण जब नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीज का दर्जा दिया जाता है और इस पोम में तीन जगह पर पसोनिफिकेशन यूज किया है सबसे पहले आप तीसरी लाइन में देखेंगे रोड साइड स्टैंड दैट टू स्टैंडली प्लेड मतलब एक रोड साइड स्टैंड को इंसान का दर्जा दिया है जो बहुत प्लीड कर रहा है दरख्वास पास करना है दूसरी लाइन देखिए आपको मिलेगी लास्ट में पोम के सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो जिस तरह से इंसान झांकता है और देखता है उसी तरह सैडनेस झांक रही है किसके फेस में उन रोड साइड स्टैंड के शॉप्स के ओनर के फेस पर कि कोई रुके और कोई उनसे सामान खरीदे तीसरा पर्सोनिफिकेशन यहां पर है द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन यहां पर जो वॉइस है दिस इज अबाउट द कंसर्न ऑफ द रोड साइड स्टैंड ड्वेलर्स जो कंसर्न है कि कब कोई उनकी इनकम बढ़ाने में उनकी मदद करेगा तो सीख लिया बसोनिफिकेशन तीन है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच या पोइट्रिक डिवाइस पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्ड एपिथाइड ट्रांसफर्ड एपिथ क्या होता है आ, ये एड्जेक्टिव यूज होते हैं वर्ड्स के साथ और ये एडजेक्टिव क्यों यूज होते हैं ताकि इनडायरेक्टली किसी कैरेक्टर को मतलब टू डिस्क्राइब समडी और सम वन जैसे पहला ट्रांसफर एपिथार्ड अगर आप पोम में नजर मारे तो हैगा दैट इज पॉलिस्ड ट्रैफिक ट्रैफिक पॉलिश नहीं है यहाँ पे ये जो पॉलिशड वर्ड है एडजेक्टिव किसके लिए यूज किया है इट रेफर्स टू द सो कॉल्ड रिच पीपल और द एंबिशियस पीपल और और द सो कॉल्ड इनसेंसिटिव पीपल जो अपने बारे में सोचते हैं अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं बट दे हार्डली कंसर्नड अबाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीस पुअर पीपल आगे देखेंगे दूसरा ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है यहां पे सेल्फिश का अब कार थोड़ी ना सेल्फिश है तो ये एडजेक्टिव कार के लिए नहीं यूज किया ये कार ड्राइवर्स के लिए माने ओनर्स के लिए यूज किया है तो ये ट्रांसफर हो रहा है मीनिंग इसका मतलब इट इंटेंड्स टू टॉक अबाउट सेल्फिश पीपल इजी था आ गया समझ अब तीसरे पोइटिक डिवाइस पे जाते हैं एलिट्रेशन कई बार इतनी सारी पोम्स में मैं सिखा चुकी हूं दैट व्हाट इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है व्हेन दी कॉन्सोनेंट साउंड्स क्लोजली कनेक्टेड वर्ड में कॉन्सोनेंट जनरली कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं जो रिपीट होते हैं आप देखेंगे इसमें तीन चार जगह पोएट ने एलिट्रेशन का यूज किया है कहां पर है आप पहले तो देखेंगे यहां पर ग्रीडी गुड डूअर्स जी जी Then, आप देखेंगे beast of prey. Beast of prey क्या होता है? वो बीस्ट जो बेनिफिशियंट मतलब फायदा दिखा रहा है मगर वो अपना फायदा मतलब अपने प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर रहा है चलिए और देखते हैं एलिट्रेशन क्या है पथेटिकली प्लेट आपको आगे मिल जाएगा टू पथेटिकली पापा। लास्ट में देखेंगे गैलन ऑफ गैस तो जी जी तो ये चारों के चारों क्या है एलिट्रेशन है अब बात करते हैं यहां पर ऑक्सीमोरॉन की वॉट इज एन ऑक्सीमोरॉन दो शब्द जिसका ऑपोजिट मीनिंग होता है द टू वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीडी गुड डूअर्स एक अच्छे करने वाला ग्रीडी थोड़ी ना होता है तो दो ऑपोजिट वर्ड्स हुए कि नहीं तो ये बन गया ऑक्सीमोरॉन सेकेंड बेनिफिशियन बीस्ट ऑफ प्रे आप कोई फायदा करने वाला वो बीस्ट ऑफ प्रे कैसे हो सकता है दैट्स अगेन ऑक्सीमोरॉन सो वी हैव ऑक्जीमरॉन इन दिस पोम रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस इतने सारे पोइटिक डिवाइस कर लिए कौन सा पोइट्रिक डिवाइस है आगे ने बहुत सारी जगह रेपिटेशन किया है. माने पहले भी बताया था, क्यों होती है ताकि वो अपनी पोएट में पोएम में जान डाल सके एनर्जी डाल सके झील डाल सके आप देखेंगे बहुत सारी जगह एन टर्न रॉन्ग एस टर्न रॉन्ग तो रॉन्ग रॉन्ग यूज किया है कंट्री शब्द

ये रही आप देख सकते हैं फर्स्ट आंसर में ही और क्रिकेट गोल्डन या फिर और ब्यूटी रेस तो दोनों में जो और और है वो एक एक लाइन दोनों पहली लाइन और दूसरी लाइन में है चलो अब आखिरी पोइट्रिक पोइट्रिक डिवाइस कर लेते हैं इसमें जो आखिरी पोइट्रिक डिवाइस है एजोनेस नाउ व्हाट इज एजोन मींस देर आर प्रोमिनेंट साउंड वाल साउंड वॉल्स क्या है ए ई आई ओ यू इन पांच साउंड में से अगर किसी लाइन में एक पर्टिकुलर वॉल साउंड प्रोमिनेंटली आवाज या सुनाई देता है उसको हम एसोनेंस कहते हैं आप ये लाइन देखेंगे बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज़ फ्लो सपोर्ट यहाँ पर कौन से वॉल की आवाज आ रही है ओ वॉल की आवाज आ रही है ओ इसमें फॉर में ओ सम में ओ मनी में ओ ऑफ में ओ हुज में ओ फ्लो में ओ अब आगे देखेंगे एक और लाइन जिसमें आई वॉल की आवाज आ रही है फ्लावर्स ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेन आय आई आई की आवाज ऐसी एक और आए आए वॉल की साउंड आती है दैट इज मूविंग पिक्चर प्रॉमिस्ड मूविंग में आय पिक्चर में आए प्रॉमिस so, में आए तो ये हो गए हमारे एजोन खत्म हो गए सारे पोएटिक डिवाइस रोड साइड स्टैंड के मुझे पता है आपको बहुत आसान लगा होगा आसान तब लगेगा जब आप इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे और अपने नोटबुक्स में कॉपी करें यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट में भेजिएगा अगर आपको कोई और किसी और तरीके की वीडियोज आपको चाहिए कोई और टॉपिक पर चलती हूँ बाय फॉर नाउ गॉड ब्लेस यू ऑल